नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां कल एक और पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं रात होते होते कुछ व्यापारियों के लिए यह त्यौहार मातम में बदल गया। आपको बता दें, सीधी शहर के बीचों बीच लालता चौक के पास एक मोबाइल दुकान में आग लग गई, जिससे कि आसपास की भी कई दुकानों में आग लग गई है। आग लगने के कारण दुकान में रखे लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में लालता चौक स्थित विजय मोबाइल दुकान में अचानक आग लगी और एक दुकान में आग लगने के कारण बाकी दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चला है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर कोतवाली पुलिस, आमजनों की भी भारी भीड़ लगी हुई थी। स्थानीय व्यापारियों व स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि फायर ब्रिगेड मौके पर घंटों की देरी से पहुंची, जिसके कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अब फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने को लेकर नगरपालिका भी कटघरे में खड़ा है। शहर के विजय मोबाइल केयर में लगी आग रात में पूरे जिले में सुर्खियों का विषय बन गई। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना रात 8 से 9 बजे के बीच हुई है। सेंट्रल एकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पड़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs. 2500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.